हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ग्रैंडमाज डे आउट। आप लोगों ने एक मूवी पर शायद देखी होगी, आई थिंक इट वॉज बेबीज डे आउट। वेल, इस केस में दादी जाती हैं बाहर कहीं घूमने के लिए। अब देखते हैं कि दादी के बाहर जाने पर क्या सब एडवेंचर्स होते हैं। नैना एंड रोहन हैड नो आइडिया व्हाट टू डू फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन ग्रैंड पेरेंट्स डे। नैना एंड रोहन हैड नो आइडिया व्हाट टू डू फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन ग्रैंड पेरेंट्स डे। नैना और रोहन को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डे के दिन। होता है ना, फादर्स डे पर आप फादर के लिए कुछ अच्छा करते हैं, मदर्स डे के दिन आप मदर के लिए कुछ अच्छा करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, है ना? तो वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा दिन है? ग्रैंड पेरेंट्स डे। लेकिन नैना और रोहन को कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो क्या करें ग्रैंड पेरेंट्स दिन के पर। लेट्स आस्क ग्रैंडपा, सेड रोहन। दादाजी से पूछते हैं, रोहन ने कहा। देयर मदर सेड इट इज अ गुड आइडिया, इट इज देयर स्पेशल डे, सो यू शुड डू समथिंग दे वुड एंजॉय। उनकी माँ ने कहा, इट इज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छा आइडिया है। इट इज देयर स्पेशल डे, ये उनका स्पेशल दिन है, ये उनका खास दिन है। सो यू शुड डू समथिंग दे वुड एंजॉय, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि वो एंजॉय करें, जिसमें कि उन्हें मजा आए। नैना कॉल्ड अप ग्रैंडपा। नैना ने दादाजी को फोन लगाया। शी आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ अ प्लेस दे वुड लाइक टू गो। उसने उनसे पूछा या उसने उनसे कहा किसी ऐसी जगह के बारे में सोचने के लिए जहां वह जाना चाहेंगे। ग्रैंडपा सेड, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कम विद यू एज आई हैव अ बैड कोल्ड। ग्रैंडपा ने कहा, मैं सॉरी हूं, मैं दुखी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत बुरी सर्दी हो गई है। ग्रैंडमा वुड लव टू गो विद यू, ग्रैंडमा को तुम्हारे साथ जाना बहुत अच्छा लगेगा। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रेन वेंट विद देयर मदर टू मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। अगले दिन बच्चे उनकी माँ के साथ अपने दादा दादी से मिलने के लिए गए। दादा दादी को क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी, नाना नानी सब क्या कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगले दिन बच्चे अपनी माँ के साथ अपने दादा दादी से मिलने गए। They also took the cake they had baked with the help of their mother for their grandparents. वो अपने साथ वह केक भी ले गए जो कि उन्होंने अपनी माँ की मदद से पकाया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए।
Grandma and Grandpa cut the cake together and were very happy to celebrate their special day. Grandma और ग्रैंडपा ने साथ मिलकर केक को काटा और वो अपने स्पेशल डे को सेलिब्रेट करके काफी खुश थे। आफ्टर कटिंग द केक रोहन आस्क्ड ग्रैंडमा, सो वेयर शुड वी गो? After cutting the cake काटने के बाद रोहन asked grandma, रोहन ने दादी से पूछा, तो where should we go? हमें कहाँ जाना चाहिए? Let's go to the new amusement park, she said. हमें नए अम्यूजमेंट पार्क चलना चाहिए, या फिर चलो नए अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, उन्होंने कहा। She had a twinkle in her eyes, उनकी आंखों में चमक थी। Twinkle in her eyes का मतलब क्या हुआ? आंखों में चमक होना। That is wonderful, replied the children happily. ये तो wonderful idea है, बच्चों ने खुश होते हुए जवाब दिया। Wonderful मतलब एकदम मस्त idea. Naina and Rohan had been wanting to go there. Naina और Rohan वहां पर जाना चाह रहे थे, but their parents had not been able to take them. लेकिन उनके माता पिता उन्हें वहां नहीं ले जा पाए थे। Now grandma wanted them to take her. और अब दादी जो है वो चाहती थी कि ये उन्हें वहां लेकर जाएं। तो यानी कि नैना और रोहन को तो उनके माता पिता जो है वहां पर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, लेकिन अब दादी चाहती है कि रोहन और नैना उन्हें लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाएं। एट द पार्क देयर मदर बॉट टिकट्स एंड देन शी लेफ्ट। पार्क में उनकी मां ने टिकट्स खरीदे और फिर वो चली गई वहां से। शी लेफ्ट। एज दे एंटर्ड द पार्क ग्रैंडमा बाउट आइसक्रीम एंड सैंडविचेज। जैसे ही उन्होंने पार्क में प्रवेश किया, एंटर किया, ग्रैंडमा ने आइसक्रीम और सैंडविचेज खरीदे। बाय मतलब खरीदना और बाय का पास्ट क्या होता है? बॉट। लेट्स गो ऑन द राइड्स, ग्रैंडमा सेज। अम्यूजमेंट पार्क में जो वो झूले वगैरह होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर वाले राइड्स होते हैं ना, राइट? तो दादी क्या कहती है? चलो राइड्स पर चलते हैं, दादी ने कहा। द चिल्ड्रेन लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। बच्चों ने उनकी तरफ आश्चर्य में देखा। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना किसी बात पर। आप बता सकते हैं कि बच्चों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को ही एडवेंचर पसंद होता है, बच्चों को ही झूले वगैरह पर झूलना पसंद होता है, लेकिन यहां पर कौन झूले पर जाने के लिए तैयार है? दादी तैयार है राइड्स पर जाने के लिए। ग्रैंडमा, यू वांट टू गो ऑन द राइड्स? आस्क्ड नैना। दादी, आप राइड्स पर जाना चाहती हैं? नैना ने पूछा।
ऑफ कोर्स शी सेड, निसंदेह उन्होंने कहा। Grandma hopped on a horse on the merry-go-round with the children. ये वाला झूला देख रहे हो बेटा? इस राइड को कहते हैं merry-go-round। दादी जो है वो कूद के एक घोड़े पर बैठ गई merry-go-round में बच्चों के साथ। They all held their swings tightly. उन सभी ने अपने स्विंग्स को यानी कि झूले को बिल्कुल टाइट से पकड़ रखा था, जोर से पकड़ रखा था। Then they went to ride the caterpillar roller coaster and the mini train. और तब जो है वो caterpillar roller coaster और मिनी ट्रेन की राइड पर गए। कैटरपिलर रोलर कोस्टर देखिएगा आप। ये क्या कहलाता है? रोलर कोस्टर, राइट? और उसमें कैटरपिलर के शेप के ये बॉक्सेस बने हैं ना, यस। और इसके बाद वो कहां गए? इस कैटरपिलर रोलर कोस्टर के बाद वो जाते हैं कहां पर? मिनी ट्रेन पर। ग्रैंडमा आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे वुड टेक हर टू द पॉन्ड टू सी द डक्स। दादी ने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, उसे तालाब के पास ले जाएंगे डक्स को देखने के लिए? They all went to see the ducks and feed them bread. वो सब ducks को देखने गए और उन्हें bread खिलाने के लिए। Feed मतलब खिलाना। Now let us eat bhelpuri, said grandma to Naina and Rohan. चलो अब भेलपुरी खाते हैं, दादी ने नैना और रोहन से कहा। She bought भेलपुरी, popcorn and juice for all. दादी ने जो है भेलपुरी, पॉपकॉर्न और जूस सब के लिए खरीदा, यानी कि नैना, रोहन और खुद के लिए। After a few hours, the children's mother came to pick them up. कुछ घंटों के बाद बच्चों की माँ आई उन्हें पिक करने के लिए। टू पिक मतलब जैसे आप जब बस से उतरते हैं तो आपके मम्मी या पापा रहते हैं ना वहां पर खड़े आपको घर ले जाने के लिए अपने साथ, या दैट इज कॉल्ड किसी को पिक अप, पिक करना। तो यहाँ पर बच्चों को पिक करने के लिए कौन आई है? उनकी माँ आई है। हाउ वॉज ग्रैंड पेरेंट्स डे, शी आस्क्ड। मम्मी ने पूछा ग्रैंड पेरेंट्स डे कैसा था? इट वॉज द बेस्ट डे एवर, रिप्लाइड ग्रैंडमा विद अ स्माइल। ये सबसे बढ़िया दिन था, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना। I spent the most wonderful time with my grandchildren. मैंने अपने grandchildren के साथ सबसे मस्त समय बिताया, सबसे wonderful time spend किया।
बच्चा आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आप क्या हुए, आप हुए उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोते पोती नाती राइट नतनी सबको क्या कहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन। और दादी आगे क्या कहती है, ग्रैंडपा विल बी सॉरी दैट ही मिस्ड इट, ग्रैंडपा को बुरा लगेगा कि वो ये मिस कर गए। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर टेकिंग मी टू द अम्यूजमेंट पार्क, थैंक यू बच्चों मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए। यू आर वेलकम ग्रैंडमा दे रिप्लाइड, बच्चों ने क्या जवाब दिया, यू आर वेलकम ग्रैंडमा। जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो जवाब में वो क्या कहते हैं, यू आर वेलकम। बच्चे आगे कहते हैं, वी फाइनली विजिटेड द पार्क वी रियली वांटेड टू गो टू, फाइनली हम लोग उस पार्क घूमने गए जहां की हम जाना चाहते थे। वी आर ग्लैड यू एंजॉयड इट, हमें खुशी है कि आपने एंजॉय किया, आपको मजा आया। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना और एंजॉय का मतलब वेल किसी चीज का मजा लेना। विद अ स्माइल ग्रैंडमा विंक्ड एट द चिल्ड्रंस मदर, मुस्कुराते हुए दादी ने बच्चों की मां की तरफ आंख से इशारा किया। आंख से इशारा करते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, विंक। ओके आपको क्यों लगता है ऐसा, दादी ने बच्चों की मां की तरफ जो है विंक क्यों किया, क्या आप गेस करना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों की मां ने दादी को पहले ही बता दिया हो कि बच्चे उस अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहते हैं, शायद ये हो सकता है। एनीवेज बच्चों दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप यू लव्ड इट। और साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको अच्छा फील करवाना चाहिए, है ना। ओके बच्चों सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई बढ़िया से, थैंक यू।